है मेरा कि जनप्रतिनिधि जो चुने हुए हैं वो आपके साथ कितने लोग हैं? इनकी हालत ये है, जैसी कोई नई दुल्हन आती है तो सोचती है कि घर की कोई मालकिन या सास हमको पूरा घर झकवाए। इनकी हालत है न नरो न कुंजरो। दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण तिवारी जी से, जो पृथक विंध्य को लेकर आंदोलनरत है। विंध्य या बघेलखंड? विंध्य और बघेलखंड एक दूसरे के पर्याय हैं, और निश्चित रूप से जब विंध्य की बात करते हैं तो हमारा एक प्रस्ताव पारित था मध्य प्रदेश की विधानसभा में 10 मार्च 2000। पंडित श्रीनिवास तिवारी जी उन दिनों विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। विंध्य की रूपरेखा बहुत लंबी चौड़ी थी, उस समय बहुत दूर दूर लोकतंत्र में आधारित क्षेत्रफल था। हमारे इस पूरे विंध्य क्षेत्र में समाजवादियों का गढ़ था उन दिनों, और राजनीतिक तौर पर समाजवादी लोग ज्यादा जब निर्वाचित हो गए तो राष्ट्रीय दलों में एक हलचल हो गई कि ये तो अनर्थ हो जाएगा राजनीतिक तौर पर, और विंध्य में कहीं न कहीं दूसरे तरह की आग सुलग पड़ेगी। ऐसी स्थिति में यहाँ के नेताओं को ठगा गया, यहाँ के लोग नेताओं को प्रलोभन दिया गया और राजनीतिक दृष्टिकोण से कमजोर किया गया। बना बनाया विंध्य 56 में हमसे छीन लिया गया। कहा गया था कि विंध्य को हम अलग सब चीजें देंगे, मध्य प्रदेश में प्रदेश स्तर की उपराजधानी देंगे। कहा गया था कि हम मध्य प्रदेश के तमाम वो प्रदेश के बड़े कार्यालय स्थापित करेंगे। ले देके कृषि का कार्यालय यहां था, बाकी सब कार्यालय चले गए, ट्रांसफर। आज भी इंदौर में पीएससी का कार्यालय है और कई कार्यालय हैं, श्रम के कार्यालय हैं। इंदौर के इसके बाद अगर हम इधर देखें ग्वालियर तरफ तो परिवहन का कार्यालय है, अन्य कई कार्यालय हैं। परंतु हमारे यहाँ का कार्यालय तो कार्यालय, यहाँ का सब कुछ चला गया। और ऐसा नहीं मानते हैं कि जनप्रतिनिधि यहाँ की बुलंद आवाज नहीं उठाते, उसका एक कारण ये भी हो सकता है? जनप्रतिनिधियों का जो काम था जन आवाज बनाना, जनता के जन कल्याण की दिशा में काम करना, वो सब विलुप्त हो गया, सब जगह ही है कामोबेश। विंध्य को प्रतिनिधित्व तो बहुत मिला, उनने इतनी तेज आवाज नहीं उठाई जो आवाज इंदौर और ग्वालियर वालों ने उठाई। देखिए विंध्य संस्कृत विरासत का धरोहर रहा है, विंध्य हमारा वैभवशाली रहा है। विंध्य में खनिज संपदा, वन संपदा प्रचुर मात्रा में, अगर हम कहें कि सतना जहां हम बैठे हैं आज, यहां ये हमारा एशिया का हब है। सीमेंट जिससे विकास की बात की जाती है, उद्योग की बात की जाती है, हमारे यहां चूना, रामराज, पत्थर, व्यवसायिक ना जाने क्या क्या है। पर यहां नेता तो छोड़िए, ऐसा लग रहा है कि कितना अकूत धन संपदा, जैसे अकूत हमारी संपदा है ऐसे निजी तौर पर अकूत धन कमाने की होड़ में हमारे विंध्य का नुकसान किया, विंध्य के नौजवानों का नुकसान किया, विंध्य के व्यापारियों को नुकसान किया, विंध्य के किसानों को नुकसान किया। हालत यहां तक पहुंच गई कि राजनीतिक तौर पर गाए गाए ब्याह होते, हमारे भाषा में कहा था, या हम अगर ये विंध्य 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 न गुहार मारे हो 3 साल से तो जो उन्हें ठेठी ये पद मिला है तथा कथित लोगों का यह न मिला। परंतु अब यह बर्दाश्त से बाहर बात हो रही है। अब विंध्य के उपेक्षा हम 38.8 पूरे मध्य प्रदेश के रेवेन्यू का हिस्सा हमारे यहां से जा रहा है, और लूट रहे माल चंबल जा रहा है, मालवा जा रहा है, ग्वालियर जा रहा है, उपचुनाव हो रहे हैं, लोग माला माल हो रहे हैं, और विंध्य की कमाई से विंध्य का नौजवान जूठा प्लेट कप धोने रोजगार की तलाश में सूरत जाएगा, बंबई जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में कोटा जाएगा, इंदौर जाएगा, मेडिकल के क्षेत्र में हब बन गया है नागपुर जाएगा। आखिर क्या गलती, यहां का क्या अपराध किया है इन लड़कों ने? तो अपराध लगता है कि हमारे नेताओं का है जो चापलूसी में लगे हैं, जो बोर्ड के चक्कर में, टिकट के चक्कर में अस्मिता बेच रहे हैं। इसीलिए हमने इस यात्रा का नाम रखा है जन अस्मिता। लेकिन विंध्य में बुंदेलखंड, आपका छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का अंचल भी था, तो इन अंचलों को कैसे लाया जाएगा? देखिए समय समय पर परसीमन हुआ करते हैं, जब कोई राज्य बनता है तो
तो उसको परसीमन, उसका रेवेन्यू, उसके भौगोलिक स्थिति, उसके चारों तरफ का जो हिस्सेदारी और सब चीजें उसमें देखा जाता है। किसकी स्थापना कहाँ, जब जब भी कोई राज्य बना है तो उसका हाई कोर्ट अलग होता रहा है और बाकी रेवेन्यू का बड़ा कार्यालय जैसे ग्वालियर है हमारे यहाँ, ये अलग होता रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे विंध्य में क्या है, कुछ है नहीं। तो अब लोगों को लगने लगा इन नेताओं को कि जितना लूट सको उसे लूट। तो अब हमारा नारा है, हमारे यहाँ के जनता का नारा आ गया कि ये तमाशा अब नहीं चलने वाला। एक नारा दिया लोगों ने कि जो विंध्य की बात करेगा वही विंध्य में राज करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ का नौजवान, यहाँ का बेरोजगार, यहाँ का तमाम किसान, यहाँ का व्यापारी अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है वोट देकर एक राजनीतिक दल को। लेकिन अन्य प्रांत के लोग इसमें कैसे शामिल होंगे, जैसे छत्तीसगढ़ या यूपी तो अब शामिल नहीं हो सकता। नहीं होगा, परसीमन की बात मैंने कही ना। लेकिन अन्य प्रांत तो कहीं भी परमिशन, जो छोटे परसीमन हुआ तो नहीं आए हैं। नहीं नहीं, जो छोटे छोटे राज्य बने हैं उनका भौगोलिक स्थिति, उनका क्षेत्रफल, उनकी विधानसभाएं, उनका तहसील, ये सब देखने के बाद हमारा विंध्य आज भी उनसे सब मामलों में आगे है। किसी राज्य को चलाने के लिए रेवेन्यू की जरूरत पड़ती है। हमारा अकेले विंध्य प्रदेश का सिंगरौली 100 वर्षों तक इस राज्य को, विंध्य प्रदेश को चला सकता है। हमारा सतना जो हब है हमारा, यहाँ के टेक्नोलॉजी, यहाँ के व्यापार से हम कितना गुना रेवेन्यू दे सकते हैं, इसका सबका हिसाब है सरकार के पास, वो देख ले। और जरूरत है, जो आएगा आएगा, नहीं आएगा तो जो राज्य बनाने की, राज्य संचालन करने की गतिविधियां है उसमें हम पूर्ण है। लेकिन विंध्य अलग राज्य बनाने के लिए एक मुहिम मुझे लगता है कि और चलानी पड़ेगी, शायद आप लोगों ने चलाई भी है, कि आपको जिले बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, हमने मऊगंज को जिला बनाने की बात कही है, हमने ब्योहारी को जिला बनाने की बात कही, हमने मैहर को जिला, ये हम 3 साल पहले से चिल्ला रहे हैं। और इसके अलावा भी कई ऐसी जगह है जिसको हम जोड़ और घटा सकते हैं, और उस जोड़ घटाव में हम करीब करीब 45 विधानसभाओं से अधिक क्रॉस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम अन्य राज्यों के तुलना में, हम जब रेवेन्यू की बात करेंगे, विधानसभा की बात करेंगे, पार्लियामेंट क्षेत्र हमारे रीवा भी है, सतना भी है, सीधी भी है, शहडोल भी है, हमारा ये पन्ना ये मिला के सब पूरा कटनी तक के किनारा किनारा मिला के, तो हम किसी भी उत्तराखंड में कितने पार्लियामेंट क्षेत्र है, हमारे झारखंड में कितने पार्लियामेंट क्षेत्र है, हमारे तमाम जब इनको देखें छत्तीसगढ़ में 9, 10, 11 ही है। ऐसी स्थिति में हम किसी भी मामले में पीछे नहीं है। अगर कोई पीछे है तो इच्छा शक्ति में पीछे है राज्य सरकारों की, जनभावनाओं, इसलिए हम जनता की भावना को कुदेना चाहते हैं। और जिस दिन जनता उठ पड़ेगी, खड़ी हो जाएगी और लोगों से सवाल करेगी, इन नेताओं से, विधायकों से, सांसदों से सवाल करेगी, जब ये आएंगे स्वागत सत्कार माला लेने, क्योंकि विंध्य हमारा शूरवीरों का क्षेत्र रहा है मगर अब चापलूसों का क्षेत्र बनता जा रहा धीरे धीरे, तो आने वाली पीढ़ी उसी में फंस न जाए, इससे भी हम जहां एक तरफ अपना बिंद मांग रहे हैं, उसी तरह हम संस्कार को जो चुनौती मिल रही है उसको भी हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। विंध्य में एक चीज बहुत ज्यादा है, पर्यटन क्षेत्र भी, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण युवा उठ नहीं खड़ा हो रहा, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आप कह रहे हैं ये शूरवीरों का क्षेत्र था, लेकिन वो शूरवीरता कहां चली गई, अब हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रहे। आपने ठीक कहा, मगर हम इतिहास के पन्नों में जाएंगे, लोकतंत्र चल रहा है, देश की सरहद में जो शहीदी हो रही है, चाहे कारगिल युद्ध में हो, चाहे पुलवामा में हो, चाहे अन्य अन्य पाकिस्तान वाले युद्ध में हो, चाहे चाइना में हो, हमारी जितने देश की अन्य अन्य भागों के हिस्सेदारी सदाहत देने में रही है, विंध्य हमारा आज एक नंबर का है, आज भी लगातार शहादत दे रहे हैं लोग, ये शूरवीरता की श्रेणी में आता है। और निश्चित रूप से एक लाइफ बंद होगी, मेरा मानना है कि विंध्य में जब तक या किसी भी क्षेत्र में जब तक उग्र आंदोलन नहीं हुआ है तो अलग राज्य नहीं बने हैं। और उग्र आंदोलन मेरा मानना है कि तब होते हैं जब जमीन पर अस्थाई रूप से जन आवाज या जनता जनार्दन जगी हुई होती है, क्योंकि अपने आप को किसी बड़े आंदोलन में कोई ले जाना नहीं चाहता।
और आज वर्तमान के आपाधापी युग में, भौतिक संसाधनों के युग में, कोई भी गार्जियन नहीं चाहेगा कि हम अपने किसी परिजन को, अपने घर के एक सदस्य को उग्र आंदोलन में भेजें। तो अब उसी के तैयारी के लिए ही लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक तरीके से लक्ष्मण तिवारी जैसे लोग घर घर, गांव गांव भाग रहे हैं, और उस दिन बड़े बड़े कार्यक्रम आंदोलन तब होंगे जो अस्थाई आंदोलन होंगे, क्योंकि मुझे देश दिखता है। मैंने उन तमाम मंदिरों पर, लोकसभा के, लोकतंत्र के मंदिरों पर एज ए सिपाही भी काम किया है, तो मैं जानता हूं कि रक्षा, सुरक्षा, अभिरक्षा और फाइनल डिसीजन, क्योंकि अब बिंद का 23 और 24 का समय होगा जब फाइनल गेम होगा, और अगर 23-24 में बिंद नहीं बना तो अभी नहीं कभी नहीं के बाद में हो जाएगी। अब मैं मानता हूं कि मेरे डिक्शनरी में ना और ना है ही नहीं, इसलिए बिंद बन के रहेगा। बिंद में लोग जागरूक होंगे, आप जागरूकता का मिशन लेके चल रहे हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको जागरूकता का, कि जब भाजपा की सरकार थी शिवराज 2003 में और 2013 में सरकार बनाए, तो विंध्य में कांग्रेस के विधायक ज्यादा थे, और जब कमलनाथ की सरकार बनी तो यहां, मतलब कांग्रेस की सरकार बनी तो यहां भाजपा के विधायक ज्यादा थे। इतने जागरूक हैं विंध्य के लोग? विंध्य के लोग इतने जागरूक तो हैं, पर इतने जागरूक नहीं है कि हमारी औलादें, आने वाली पीढ़ी को हम कैसा जवाब देंगे। मेरा भी वही मतलब था, इसलिए मैं उसका उसके जवाब में कहना चाहता हूं कि अब नचूक चौहान, जो हुआ सो हुआ, बातें पीछे की भूलो, आगे नौजवानों को जगाओ। ना शहीद बनने की जरूरत है, ना कहीं अपने को अंगूठा कटाने की जरूरत है, ना खून देने की जरूरत है, केवल जागरूकता ले आने की जरूरत है। आज जिस दिन घर घर में हो जाएगा कि लौटो, बिंद हमारा वापस लाओ, बिंद नहीं तो वोट नहीं, जिस दिन ये तय हो जाएगा, उस दिन अपने आप नेता मजबूर होंगे और अपने आकाओं के पास जाएंगे, वहां चरण बंदन करेंगे, और फिर बिंद की बात उनके भी जवान से सरस्वती बात होगी और निकलेगा। मतलब इसमें आपने आज तीन चीजें कही कि अगर अलग बिंद बनता है तो हमारे यहाँ के युवा बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे, बाहर हेल्थ सेक्टर में इलाज के लिए नहीं जाएंगे, सारी सुविधाएं यहाँ हो जाएंगी जी, और जो बेरोजगारी रोजगार के हिसाब से बाहर जाते हैं उनको रोजगार के अवसर भी यहीं मिल जाएंगे। मैं नहीं कह रहा था कि 100% ये सारी चीजें हो जाएंगी, पर बहुतायत में जैसा अन्य जगह है, वो सूरत के लोग तो यहां नहीं आते हैं नौकरी करने, आते हैं तो अफसर में आते हैं, इंजीनियर में आते हैं, एक भी मजदूर और एक भी दरी बिछाने वाला यहां आता हो तो बताए। बंबई के लोग यहां नहीं आते हैं, अहमदाबाद के लोग यहां नहीं आते हैं, तो रीवा संभाग या बिंद क्षेत्र के लोग क्यों जाते हैं? वो पेट में रोजी रोटी के साधन उधर पोषण के लिए जाते हैं। तो जब ये चीजें हमारे बिंद में ही उपलब्धता हो जाएगी, तो शौकीन कोई जाए तो अलग बात है, कोई बड़े पद पे जाए तो अलग बात है, पर वो गरीब नहीं जाएगा जिसके दोनों वक्त की रोटी के लिए कोई साधन नहीं है, उसको साधन नहीं मिलेगा, और अपने माँ बाप के बूढ़े का सहारा भी बन जाएगा। तो दोनों काम है, एक पंथ दो काज, इसलिए बिंद बनना उतना ही जरूरी है जितना जिंदगी में आगे के लिए जीना जरूरी है। देखिए, हम बिंद की बात इसलिए कर रहे हैं कि जब बिंद हमारा बनेगा, हमारे बिंद का मुखिया होगा, बिंद का मुख्यमंत्री होगा, बिंद की कैबिनेट होगी, बिंद की सरकार होगी, तो हमारे भाषा का, हमारे क्षेत्रीय स्तर का, यहाँ का सब कारोबार चलाने वाले लोग होंगे, तो हमको रोजगार भी यहीं के लोग यहीं को मिल जाएगा, शिक्षा दीक्षा के लिए भी कहीं जाना पड़ेगा, दवाई के लिए भी हमको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और यहां तक कि जो हम इधर उधर में समय, पैसा, दाम खर्च करके हजारों किलोमीटर एक छोटे मोटे काम के लिए जाते हैं, तो हमारी जब राजधानी ही हो जाएगी तो वो सुबह जाएंगे, शाम को अपना काम करा के लौट आएंगे। ऐसी स्थिति में इन तमाम बातों के लिए तमाम नौजवानों को आगे आना चाहिए, तमाम लोगों को प्रेरित करना चाहिए, जो बुद्धिजीवी हैं या किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं या किसी मर्यादा से बंधे हुए हैं या शासकीय सेवक है, भैया आप सीधे ना झंडा थामो, परंतु परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से, जो सुविधाजनक हो, आप उत्प्रेरित करो लोगों को कि बिंद की आवाज बुलंद करें,
ताकि बिंद के जन कल्याण में हम सब सहभागिता कर सके। एक अंतिम प्रश्न है मेरा कि जन प्रतिनिधि जो चुने हुए हैं वो आपके साथ कितने लोग हैं? देखिए, भीतर भीतर ही अंदर अंदर इनके मन में भी चोट है, मगर जब ये मुंह झांकते हैं तो इनकी हालत ये है जैसी कोई नई दुल्हन आती है तो सोचती है कि घर की कोई मालकिन या सास हमको पूरा घर झकवाए। इनकी हालत है न नरो न कुंजरो, ये केवल पद और पैसा के लिए भटक रहे हैं, मगर इनकी आत्मा कहीं है, मन कहीं है और आगे का भविष्य कहीं है। तो इनकी तो हालत ये है कि न नरो न कुंजरो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।